आप देख रहे हैं दखल न्यूज। होशंगाबाद में घूसखोर अधिकारी संजय कुम्हारे को लोकायुक्त पुलिस ने 10,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा। अधिकारी बीज समिति के नवीनीकरण के लिए समिति प्रबंधक से 10,000 की रिश्वत ले रहा था। पीड़ित की शिकायत पर लोकायुक्त ने छापा मार कार्रवाई कर घूसखोर अधिकारी को दबोच लिया। लोकायुक्त पुलिस के हाथ एक और घूसखोर लगा है। होशंगाबाद के पवारखेड़ा स्थित प्रयोगशाला में संभागीय राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था के कार्यालय में जासलपुर की सीमांत बीज समिति के प्रबंधक गंभीर सिंह चौहान से संस्था रिन्यू के लिए आवेदन किया था। इसके बदले में एससीओ संजय कुम्हारे 10,000 की रिश्वत चपरासी को देने को कह रहे थे। इस अधिकारी ने कहा कि भोपाल में वरिष्ठ अधिकारियों को पैसे देने पड़ते हैं। सर, मेरे एक संस्था है सीमांत बीज उत्पादक समिति जासलपुर, उसका एक संस्था पंजीयन नवीनीकरण होना था। उसने वो 10,000 रुपए की मांग कर रहे थे। कौन? कुमारे साहब, संजय कुमारे। कहाँ पर पदस्थ हैं ये? सर, संगवान पदस्थ हैं। जी जी, पिछले एक से डेढ़ महीने से परेशान कर रहे थे। उसकी जो खाना पूर्ति थी मैंने पूरी कर दी गई थी। बार बार 10,000 रुपए की मांग की जा रही थी। उन्हें भोपाल में 2 अधिकारियों को लेना है, ऐसा बोल रहे थे वो। बाकी मेरा तो अनुमान है कि भोपाल उपाल में कोई नहीं लेता, वो खुद ही लेना चाह रहे थे। कई लोगों से पैसा ले चुके हैं वो। कब शिकायत की थी आपने? क्या कार्रवाई हुई है? कार्रवाई में सर मैंने CBI वालों संपर्क किया भी, और उनको व्हाट्सएप पर जो रिकॉर्डिंग थी मेरे पास मोबाइल में, मैंने वो डाली। उसके आधार पर उन्होंने मुझे बुलाया। मैं 4/12 को उनके यहाँ गया। मैंने पूरे कागजी कार्रवाई पूरी की और उनका मोबाइल दिया, उस पर भी उसकी पूरी रिकॉर्डिंग है। फिर आज वो 5 को यहाँ होशंगाबाद आए और उन्होंने कार्रवाई की, इसमें वो पकड़े गए। और ऐसे मामले हैं आज तक। आवेदक गंभीर सिंह चौहान हैं, इनके जासलपुर गांव के रहने वाले हैं जी। ये सीमांत उत्पादक सहकारी संस्था है, उसका नवीनीकरण करवाना था। ये मध्य प्रदेश राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था संभागीय कार्यालय पवारखेड़ा से उस नवीनीकरण करवाने के लिए यहाँ के जो कुमारे संजय कुमारे हैं प्रमाणीकरण अधिकारी, उनके द्वारा 4 को 10,000 रुपये की मांग की गई थी। हमारे द्वारा टेप दल का गठन करके शिकायत का सत्यापन करने के उपरांत आज दिनांक में इनको 10,000 रुपये रिश्वत लेते पकड़ा गया। सर, ऐसी जानकारी लग रही है कि इनके जो चौकीदार थे उसने लिफाफा लिया था, फिर इन्होंने लिया, तो वो उसमें इन्होंने क्या किया था कि जो राशि थी वो अपने टेबल में रखी, जो फाइल में रखवा ली थी। इसके बाद फिर ये कार्यालय के अंदर आए, अपने राजकुमार बाबू जी हैं, तो मोहित चौकीदार से बोले कि इनको दे दो आप, ये भोपाल ले जाएंगे, वहाँ दे देंगे। राशि बाबू जी की टेबल से बरामद हुई है। इस मामले की शिकायत गंभीर सिंह ने 4 दिसंबर को भोपाल लोकायुक्त को की थी, जिसके बाद भोपाल लोकायुक्त की 12 सदस्यीय टीम ने कार्यवाही करते हुए संजय को गिरफ्तार कर लिया। इस अधिकारी के खिलाफ धारा 7 PC एक्ट 2018 नवीन संशोधन, मध्य प्रदेश भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।